हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आपका इंग्लिश सेकंड का क्वेश्चन पेपर है 2023 का, इंग्लिश ग्रामर एंड फोनेटिक्स। यहाँ पर आपका पेपर कोड है A110। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखेंगे, तो बने रही वीडियो के अंत तक। इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहले सेक्शन ए आ जाता है। दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी। यह सेक्शन आपका दो पार्ट में विभाजित होता है, ए और बी में। उनमें से आपको दोनों ही पार्ट के क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पर पार्ट एक में आपके 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको केवल 5 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। इस पार्ट में आपके आर्टिकल, नाउन और प्रोनाउन से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो आइए हम सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर ए दिया गया है, दिस इज बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर सिंस मैनी डेज। यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है जो कि इसमें उपयुक्त लगे। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आर्टिकल होता है वह होता है द, क्योंकि बुक से पहले यहाँ पर द का ही यूज होगा, ना कि ए और एन का। तो ये सेंटेंस आपका इस प्रकार से हो जाएगा, दिस इज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर सिंस मैनी डेज। इसके बाद बी है यहाँ पर, सी प्रीफर्स। इसके बाद यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है, यहाँ पर आर्टिकल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है। तो यहाँ पर एन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर आउटडोर दिया गया है, तो आउटडोर में जो है ओ है, ओ एक वोवेल्स है, तो यहाँ पर एन का यूज करना है। यदि किसी वर्ड के शुरू के अक्षर में वोवेल्स है तो आपको एन का यूज करना है, और यदि वोवेल्स नहीं है तो आपको ए का यूज करना है वहाँ पर। और आपको याद रखना है कि यदि उसका उच्चारण भी वोवेल्स से हो रहा है तब भी आपको एन का ही यूज करना होता है। यदि किसी वर्ड का उच्चारण वोवेल से नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको ए का यूज करना होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव, इसमें भी आपको आर्टिकल भरना है। तो यहाँ पर खाली जगह में ए आएगा, क्योंकि दे हैव ए ह्यूज हाउस दैट दे आर प्राउड ऑफ। यहाँ पर डी दिया गया है, बलदेव स्केयर्ड टू ट्रेवल बाई, तो यहाँ पर आ जाएगा एन एरोप्लेन, क्योंकि एरोप्लेन में जो है वोविल है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज होगा। हमेशा एरोप्लेन से पहले एन का ही यूज होता है। इसके बाद ई दिया गया यहाँ पर, टीना टैक्स, यहाँ पर आपको उचित प्रोनाउन भरना है। तो यहाँ पर टीना है, टीना एक लड़की है, तो उसके लिए हर का यूज होगा। तो यहाँ पर हर आ जाएगा, टीना टैक्स हर ओन लिटिल गर्ल टू द पार्क एवरी इवनिंग। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, यामिनी हरीश एंड फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर भी आपको प्रोनाउन भरना है, तो इसमें आपको भरना है देयर, यहाँ पर टी एच ई आर देयर का यूज होगा। इसके बाद यहाँ पर जी दिया गया है, ही नेवर कीप्स बिलोंगिंग्स नीट एंड टीडी, यहाँ पर भी आपको प्रोनाउन भरना है, तो यहाँ पर हिज का यूज होगा, यहाँ पर आपको हिज भर देना है। ही नेवर कीप्स हिज, ही के साथ हमेशा हिज का यूज होता है। इसके बाद यहाँ पर पार्ट बी आ जाता है आपका। इसमें भी आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपको 5 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। ये क्वेश्चन आपके सेंटेंस करेक्ट करने से संबंधित होते हैं, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, ही गो टू द स्कूल एवरी डे। इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार इसे करेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पर जो भी अंडरलाइन है आपको उसे ही करेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पर ही गो दिया गया है, कभी भी ही के साथ गो का यूज नहीं होता है, क्योंकि ही एक वचन प्रोनाउन होता है। तो एक वचन प्रोनाउन के साथ हमेशा एक वचन वर्ब का ही यूज होगा, जबकि यहाँ पर बहुवचन वर्ब दी गई है गो। तो यहाँ पर गो में ई एस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा गोज। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर, ही गोज टू द स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट यहाँ पर वी क्लीन्स, यहाँ पर वी के साथ क्लीन्स दिया गया है, क्लीन्स में एस भी जोड़ा गया है, जिससे यह एक वचन वर्ब बन जाती है, जबकि यहाँ पर बहुवचन प्रोनाउन दिया गया है, तो बहुवचन प्रोनाउन के साथ हमेशा बहुवचन वर्ब ही यूज होती है। तो यहाँ पर इसमें से एस को हम हटा देंगे तो यह बहुवचन वर्ब बन जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, वी क्लीन द लाइब्रेरी ऑफ आवर होम रेगुलरली। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, मीनू लाइक, यहाँ पर मीनू जो है एक वचन है, जबकि यहाँ पर लाइक बहुवचन वर्ब दी गई है, तो यहाँ पर हमें इसे एक वचन वर्ब बनानी है। तो यहाँ पर हम लाइक में एस जोड़ देंगे, जिससे लाइक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर लाइक्स जो है वे एक वचन वर्ब होती है। तो इसका यहाँ पर सही वाक्य हो जाएगा, मीनू लाइक्स टू विजिट मॉल्स फॉर शॉपिंग है।
नेक्स्ट है रवि एंड रोहित हैज मेड ए ब्यूटीफुल बर्थडे कार्ड फॉर देयर सिस्टर। तो यहाँ पर हैज जो है वह गलत दिया गया है, इसकी जगह यहाँ पर क्या आएगा हैव। यहाँ पर सही वर्ड जो है वह आएगा हैव, रवि एंड रोहित के साथ हैव का यूज होगा ना कि हैज का। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है इट और, तो यहाँ पर इसके सब्जेक्ट से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर इट के साथ कभी भी और का यूज तो होता ही नहीं है, इट के साथ हमेशा इज का यूज होता है। इट इज़ एन एंशियंट बिल्डिंग बिल्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है दीज, दीज के साथ कभी भी इज का यूज नहीं होता है, दीज के साथ हमेशा और का यूज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दीज आर माई बुक्स नॉट योर्स। इसके बाद नेक्स्ट है दैट और, दैट के साथ कभी भी और का यूज नहीं होता है क्योंकि दैट एक वचन है, इसके साथ इज का यूज होगा, तो दैट इज ए वंडरफुल न्यूज। इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है, दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इंटू टू ए एंड बी, अटेम्प्ट बोथ पार्ट एज पर इंस्ट्रक्शन। यानी यह पार्ट आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, ए और बी में आपको दोनों ही पार्ट करने होते हैं। यहाँ पर पार्ट एक दिया गया है जिसमें आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इनमें से आपको 5 ही करने होते हैं। आपको इन सेंटेंस को करेक्ट करना होता है जैसा कि ब्रैकेट में दिया होता है, ब्रैकेट के अनुसार ही आपको इन सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है शालू शेड टू शॉपकीपर डू यू हैव अमूल चॉकलेट्स, यह आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यह सेंटेंस किस प्रकार का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क रखा है और यहाँ पर शुरू में हेल्पिंग वर्ब दी गई है, जिससे पता चलता है कि यह सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नियम अलग होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा दो प्रकार से बनते हैं, एक सेंटेंस वे होते हैं जो येस और नो में पूछे जाते हैं, और एक सेंटेंस वे होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड पहले दिया जाता है, यानी WHO वाले जो होते हैं उनका नियम अलग होता है। तो इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर सालू सेड टू शॉपकीपर, यहाँ पर आपको सबसे पहले सेड टू को आस्क्ड में बदल देना है, क्योंकि यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमें हमेशा आस्क्ड में बदलना होता है। तो यह हो जाएगा सालू आस्क्ड शॉपकीपर। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर डू की जगह आपको इफ़ या वेदर का यूज करना है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा दैट का यूज नहीं होता है, हमेशा इफ़ या वेदर सेंटेंस को अलग करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सालू आस्क्ड शॉपकीपर इफ, यहाँ पर डू को हटाकर इफ या वेदर यूज करेंगे, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यू यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसे यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर शॉपकीपर है, शॉपकीपर के लिए हमेशा ही सब्जेक्ट का यूज होता है, तो यहाँ पर यू की जगह हो जाएगा ही। इसके बाद हैव को हेड में चेंज कर देंगे, क्योंकि यह प्रेजेंट में यहाँ पर दिया गया है, तो इसे हमें पास्ट में चेंज करना है। पास्ट में सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर, सालू आस्क्ड शॉपकीपर इफ ही हैड अमूल चॉकलेट्स, इस प्रकार से है इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर यू लुक ब्यूटीफुल द आर्टिस्ट सेड टू द एक्टर, इसे भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसे किस प्रकार से चेंज करेंगे, यहाँ पर द आर्टिस्ट सेड टू को यहाँ पर टोल्ड में बदल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा द आर्टिस्ट टोल्ड द एक्टर। इसके बाद यहाँ पर कोमा को हटाकर दैट का यूज करेंगे और इन्वर्टेड कोमा भी हटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा द आर्टिस्ट टोल्ड द डॉक्टर दैट शी लुक्ड ब्यूटीफुल। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसे यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है द एक्टर, जो कि एक फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीफुल लगा है, ब्यूटीफुल हमेशा फीमेल के साथ ही यूज होता है, इसलिए यहाँ पर सी का यूज करेंगे यू को हटाकर। तो यहाँ पर हो जाएगा द आर्टिस्ट टोल्ड द एक्टर दैट सी लुक्ड ब्यूटीफुल। यहाँ पर लुक की सेकेंड फॉर्म यूज होगी लुक्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो इसे हमें पास्ट में चेंज करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है सी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इक्वली अमंग हर फ्रेंड्स, इसे हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यहाँ पर स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग हर फ्रेंड्स बाय हर, यहाँ पर हम सी का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है ही गेव ए स्टर्न रिप्लाई टू हिज फादर शोइंग हिज डिसरेस्पेक्ट,
इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यहाँ पर, ए स्टर्न रिप्लाई वॉज गिवन टू हिज फादर शोइंग हिज डिसरेस्पेक्ट बाई हिम, इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर, आरजू सेड टू हर फादर कैन आई गो विद माई फ्रेंड्स फॉर ए मूवी, इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। आरजू टोल्ड हर फादर इफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव में इफ का यूज होता है, तो यहाँ पर इफ का या वेदर का यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर होगा सी कुड गो विद हर फ्रेंड्स फॉर ए मूवी, यहाँ पर कैन को कुड में चेंज करेंगे, और यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है तो इसे यहाँ पर इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यहाँ पर आरजू है तो आरजू एक लड़की है, तो लड़की के लिए हमेशा सी का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर सी कुड गो विद हर फ्रेंड्स यूज किया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही दिया गया है। प्लीज लैंड मी दैट बुक फॉर ए फ्यू डेज रोहित सेड टू लीना, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, रोहित रिक्वेस्टेड लीना टू लैंड हिम दैट बुक फॉर ए फ्यू डेज, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, इम्परेटिव सेंटेंस है और इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, तो जब भी रिक्वेस्ट की जाती है तो वहाँ पर सेड टू को हटाकर रिक्वेस्टेड का यूज किया जाता है, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हमने बनाया है, रोहित रिक्वेस्टेड लीना टू लैंड हिम दैट बुक फॉर ए फ्यू डेज। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, रईमा हिड ऑल हर ट्रॉफीज अंडर हर बेड, यानी रईमा ने सभी ट्रॉफियाँ बेड के अंदर छिपा ली है। इसका आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ट्रॉफीज वर हिडन अंडर हर बेड बाई रईमा। इसके बाद यहाँ पर आपका पार्ट बी आ जाता है, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनमें से आपको 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, इनमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन और कंजक्शन भरनी होती है। तो यहाँ पर ए दिया गया है, द एप्पल्स आर कैप्ट ऑन द बास्केट, यहाँ पर ऑन दिया गया है, यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन सेलेक्ट करनी है कि करेक्ट प्रीपोजिशन ऑन की जगह क्या आएगी। तो यहाँ पर लिखा गया है द एप्पल्स आर कैप्ट ऑन द बास्केट, एप्पल कभी भी बास्केट के ऊपर नहीं होते हैं, एप्पल जो होते हैं वे बास्केट के अंदर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑन की जगह आएगा इन, यहाँ पर इन जो है वह करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर रेनबो स्प्रेड्स ब्यूटीफुल इन द स्काई, तो यहाँ पर इन द स्काई दिया गया है, कभी भी इन द स्काई नहीं होता है, एट द स्काई होता है, तो यहाँ पर इन की जगह हो जाएगा एट। नेक्स्ट है सी स्लिप्ड द लेटर इन द डोरमैट, यहाँ पर भी इनकी जगह एट का ही यूज होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, मनी इज एन एक्सपर्ट ऑन द फोल्ड ऑफ वुमेन्स स्टडीज, यहाँ पर भी करेक्ट प्रीपोजिशन भरनी है, तो यहाँ पर जो है ऑन की जगह आएगा यहाँ पर इन, यह इसकी करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगी। यहाँ पर आपके कुछ कंजक्शंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, दिस मैस हैज़ बीन डन आइदर बाई राजीव एंड हिज ब्रदर, तो यहाँ पर एंड दिया गया है, यहाँ पर आपको एक बात पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आइदर लिखा गया है, हमेशा जब भी कहीं किसी सेंटेंस में आइदर लिखा हो तो उसके बाद हमेशा और का ही यूज होता है, यहाँ पर एंड का यूज नहीं होगा, और का यूज होता है, तो यहाँ पर एंड की जगह आपको क्या लिखना है, और, तब यह करेक्ट कंजंक्शन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, ही और हिज फ्रेंड बोथ लव पिज्जास, यहाँ पर और का यूज नहीं होगा, यहाँ पर एंड का यूज होगा, एंड जो है यहाँ पर करेक्ट कंजंक्शन होगी क्योंकि बोध के साथ हमेशा एंड का यूज होता है। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, सी इज सो ओल्ड, वह बहुत ही बूढ़ी है, एंड, यहाँ पर एंड जो है वह गलत दिया गया है, हमेशा जहाँ भी सो लिखा हो उसके बाद आपको दैट का यूज करना होता है, तो यहाँ पर एंड की जगह आएगा दैट, तो यहाँ पर हो जाएगा सी इज सो ओल्ड दैट सी डज इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी सो वेल, यानी वह बहुत बूढ़ी है तब भी वह जटिल कढ़ाई कर लेती है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी में आपके एसे टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से आपको 3 का ही उत्तर देना होता है, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है।
तो यहाँ पर ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपको अपने मॉडल से बुक से तैयार करना है। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है ड्रा ए टेबुलेटर चार्ट शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंजोनेंट्स। सेकंड दिया गया है डिस्क्राइब एनी टू कंजोनेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है डिस्क्राइब द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, ड्रा ए वेल लेवल्ड डायग्राम शोइंग ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपको केवल दो को ही एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है पर रेपिरेटरी सिस्टम दिया गया है, फोनेटरी सिस्टम दिया गया है, आर्टिकुलेटरी सिस्टम दिया गया है, यानी श्वसन तंत्र, ध्वन्यात्मक तंत्र और स्पष्टोच्चारण तंत्र, इनमें से आपको दो का ही एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा ए डायग्राम शोइंग ऑल द मोनोफ टोंग्स। इसके बाद यहाँ पर सेकंड दिया गया है डिस्क्राइब एनी टू वोवेल्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ वर्ड दिए जाते हैं जिनकी आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखनी होती है। यह आपका 10 अंक का होता है, इनमें आपको लगभग 19 से 20% देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वर्ड दिया गया है यहाँ पर मिस्ट। मिस्ट हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको इनका उच्चारण जरूर याद रखना है कि हिंदी में किस प्रकार से किस वर्ड का उच्चारण होता है, तभी आप उसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिख पाएंगे। तो मिस्ट इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर मे के लिए एम होता है और छोटी ई की मात्रा के लिए यहाँ पर आई इस प्रकार से ही लिखा जाता है। से के लिए एस इसी प्रकार से लिखा जाता है, टे के लिए टी भी इसी प्रकार से लिखा जाता है और इसे स्लैश के अंदर इस प्रकार से बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर वेरी दिया गया है, वेरी इस प्रकार से लिखा जाता है, तो वेरी को यहाँ पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से लिखा जाएगा, वी हो जाएगा और ई हो जाएगा, रे के लिए आर हो जाएगा और यहाँ पर रे के ऊपर बड़ी मात्रा लगी होती है, जिसके लिए यहाँ पर आई के साथ यहाँ पर कोलोन, यहाँ पर विसर्ग की तरह एक चिन्ह होता है कोलोन, वह यहाँ पर लगा दिया जाता है और उसे भी इस प्रकार से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर फादर, फादर को हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है और इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से होती है, फे के लिए एफ, आ के लिए यहाँ पर ए और उसके बाद विसर्ग बिंदु लगा होता है, दे के लिए यहाँ पर इस प्रकार से एक चिन्ह लगा होता है, इसे उल्टा छेंक करके इस प्रकार से काट दिया जाता है, इस प्रकार से चिन्ह होता है दे के लिए। इसके बाद यहाँ पर दे और रे के बीच में एक ए की आवाज़ आ रही है, उसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से उल्टा ई लगा है, यहाँ पर इसे स्लैश से बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर रे का कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि फादर में रे जो है विलुप्त हो जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में यह विलुप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पर रे का कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा। इसके बाद स्कूल, स्कूल को हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं और इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से हो जाएगी, से के लिए एस, के लिए यहाँ पर के ही लिखा जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पर यू और कोलोन लगा होता है और ले के लिए एल है, इस प्रकार से यहाँ पर इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि स्लैश जरूर लगाना है, आपको स्लैश के अंदर बंद जरूर करना है। वेस्ट दिया गया है, वेस्ट हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है और यह सेम ऐसे ही लिखा जाता है, इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सेम ऐसे ही लिखी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर सन, सन को हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है, इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से लिखी जाती है, यहाँ पर से के लिए एस लिखा होता है और इसके बीच में जो हमें ए की आवाज़ आ रही है, जिसके लिए यहाँ पर ओ लिखा गया है, इसके लिए आपको इस प्रकार से एक चिन्ह लगाना होता है जो कि यहाँ पर उल्टा वी की तरह होता है और उसके बाद ने के लिए यहाँ पर एन लिख दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थर्ड है, हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है, थे के लिए यहाँ पर थीटा की तरह एक मार्क होता है, इसे लिखा जाता है, यहाँ पर इसके मध्य में भी एक ही आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से एक चिन्ह लगा होता है, ये लिखते हैं, और डे के लिए यहाँ पर डी, सेम ऐसे ही लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर यस, यस को हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है यस। इसके बाद यहाँ पर इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखने के लिए यहाँ पर ये के लिए एक चिन्ह होता है जो कि जे होता है, बिल्कुल जे की तरह एक मार्क होता है, इसे लिखा जाता है। इसके बाद एक ही मात्रा के लिए यहाँ पर ई लिखा जाता है और से के लिए एस, तो इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर फुल, यहाँ पर फुल हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है और इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी इसी प्रकार से लिखी जाती है, फे के लिए एफ, छोटे ऊ की मात्रा के यहाँ पर यू लिखा जाता है और ले के लिए एल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जंक दिया गया है, जंक में यहाँ पर हिंदी में जंक को इस प्रकार से लिखा जाता है और जे के लिए यहाँ पर एक मार्क होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है डी और थ्री, इस प्रकार से एक मार्क होता है। जब यू ए की आवाज़ दे रहा हो तो यहाँ पर इस प्रकार से एक चिन्ह लगा होता है, इसे आपको लगाना है
और अंक की बिंदी के लिए आपको हमेशा इस प्रकार से एक मार्क यूज करना है, यह इस प्रकार से लगा होता है जो कि यहाँ पर लगाया गया है। इसके बाद यहाँ पर के लिए के ही लिखा जाएगा, तो आप जंक को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेट दिया गया है, सेट को हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है, इसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर सेट है तो ए की मात्रा जब इस प्रकार से होती है तो इसके लिए ए और ई लगा होता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है एस ए ई और टी, इस प्रकार से आप इसकी ट्रांसक्रिप्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर हीट, हीट को इस प्रकार से लिखा जाएगा, एच लिख देंगे और बड़ी की मात्रा के लिए ई और कोलोन और टेक के लिए यहाँ पर टी लिख देंगे, इस प्रकार से इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। यहाँ पर फिस्ट दिया गया है, फिस्ट को हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है और इसकी ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से हो जाएगी। यहाँ पर पुल दिया गया है, पुल को भी इस प्रकार से हिंदी में लिखा जाता है और इसकी ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देते हैं यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है स्लीपिंग, स्लीपिंग भी आप आसानी से लिख सकते हैं, सभी रूल्स मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से लिखा जाता है, हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। डॉग है, डॉग में यहाँ पर ओ आता है तो इसके लिए एक मार्क होता है जो इस प्रकार से ओ की मात्रा लगी होती है, इसके लिए एक इस प्रकार से मार्क लगा होता है, यह उल्टा ए की तरह होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर डे के लिए डी और ओ की मात्रा के लिए यहाँ पर यह मार्क लगेगा और जी के लिए जी, और इस प्रकार से बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर पिटी, पिटी हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है, सेम इसी प्रकार से है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी लिखा जाता है। इसके बाद ट्रेमर, ट्रेमर को आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश इंग्लिश में यहाँ पर रे जो है अंत में लुप्त हो जाता है, इसे ट्रेमा बोला जाता है, तो इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा टी आर ई एम और ए के लिए यहाँ पर इस प्रकार से उल्टा ई लगा देंगे। इसके बाद बेस्ट, बेस्ट आप आसानी से लिख सकते हैं, सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। जिप, जिप इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये भी बिल्कुल सेम ही लिखा जाएगा। तो यह आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर था जिसका मैंने आपको फुल सॉल्यूशन करके बताया है। आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप एग्ज़ाम में जाने से पहले सभी को जरूर रिवीजन करके जाए, सभी क्वेश्चन का भली बातें रिवीजन करके जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।